देओल फैमिली बॉलीवुड में काफी मशहूर है। धर्मेंद्र से लेकर पोता करण देओल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देओल फैमिली के सभी मर्द इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, वहीं उनके परिवार की महिलाएं लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं। फिर चाहे वो धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर हूँ या बहू दृशा आचार्य, हेमा मालिनी को छोड़ देओल परिवार की हर औरत माया नगरी से दूर रहती है, यहाँ तक सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। हाल ही में करण देओल ने मां पूजा देओल संग एक तस्वीर शेयर की, जहां सनी देओल की बीवी फिर से चर्चा में आ गई। करण ने लिखा, सबसे अच्छा समय अपनी मां के साथ बिताया गया समय होता है। बता दें कि सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र की तरह अपनी बीवी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा है। सनी की बीवी संग गिनी चुनी तस्वीरें ही इंटरनेट पर मौजूद हैं। एक बार सनी देओल ने उनकी मां और पत्नी के लाइमलाइट से दूर रहने की वजह पूछी गई, तो उन्होंने कहा, ना तो मेरी मां और ना ही मेरी पत्नी को लाइमलाइट से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था। मेरी पत्नी अपनी मर्जी से काम करती है, उन्हें हमेशा अपने फैसले लेने की आजादी है। सार्वजनिक रूप से सामने न आना उनका अपना फैसला है। जैसा कि मैंने कहा, ना तो मेरे पिता और ना ही मैंने अपने परिवार की महिलाओं को हमारे नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया है। भले ही देओल परिवार की बहुएं इंडस्ट्री से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन सभी वर्किंग वुमेन हैं। सिर्फ धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़कर, जहां प्रकाश कौर हाउसवाइफ हैं, वहीं पूजा और तान्या देओल वर्किंग है। आइए जानते हैं क्या करती हैं धर्मेंद्र की बहुएं। दरअसल जब सनी और पूजा की सीक्रेट मैरिज हुई, उस वक्त वो लंदन में ही थी। शादी के कुछ सालों तक पूजा लंदन में रही। पूजा का असली नाम लिंडा है। सनी से शादी के बाद उन्होंने नाम बदलकर पूजा रखा। पूजा रॉयल ब्रिटिश घराने से ताल्लुक रखती हैं। पेशे से पूजा राइटर हैं, जिन्होंने यमला पगला दीवाना 2 की कहानी लिखी। इसके अलावा उन्होंने सनी की फिल्म हिम्मत में काम किया, जिसमें वो गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थी। एक तरह से देखा जाए तो हेमा मालिनी भी देओल बहुओं में आती हैं, जो आज भी बॉलीवुड में ही नहीं राजनीति में भी एक्टिव हैं। बॉबी देओल की बीवी तान्या भी बिजनेस वुमेन है, जो कि एक फर्निशिंग स्टोर की मालकिन है। उनकी कंपनी का नाम द गुड अर्थ है। तान्या बॉलीवुड के कई स्टार के घर इंटीरियर डिजाइन कर चुकी हैं। जबकि सनी देओल की बहू यानी करण देओल की बीवी दृशा आचार्य हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता बिमल रॉय की परपोती हैं, जिन्होंने स्कूलिंग दुबई से की और उनकी परवरिश भी विदेश में हुई। विदेश में पढ़ाई करने के बाद दिशा मुंबई आ गई। यहां उन्होंने नेशनल प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर काम किया। जी, दिशा मिडिल ईस्ट में एक टॉप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हैं। बता दें कि सनी देओल ने बहू दिशा की तारीफ करते हुए कहा था कि कई सालों से हमारे घर में चीजें सही नहीं चल रही थी, लेकिन फिर मेरी बेटे की शादी हुई और मेरे घर में बेटी आ गई, तभी से हमारी किस्मत बदल गई। जब से बहू घर में आई है, तब से परिवार में सब अच्छा हो रहा है। बता दें कि ये उस वक्त की बात है जब सनी देओल की गदर 2 और बॉबी देओल की एनिमल ने सक्सेस हासिल की थी। देखा जाए तो सनी की बात काफी हद तक सही भी है। घर में बहू के कदम पड़ते ही उनकी और भाई बॉबी देओल की किस्मत खुल गई, नहीं तो दोनों देओल ब्रदर्स लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे। कोई भी उन्हें फिल्म देने के लिए राजी नहीं था। मगर आपका इस पर क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।